दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। बागवानी विभाग ने किसानों को दोबारा से पेयोद पर सब्सिडी देने का मन बना लिया है। विभाग के अधिकारियों ने सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को जल्द ही पेयोद पर सब्सिडी दी जाए। विभागीय अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण किसानों को पहले ही 40 लाख की सब्सिडी से वंचित रहना पड़ा है, जिस कारण अब किसानों को फिर से इसी बात का डर लगा हुआ है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में किसानों के लिए सब्जियों के उत्तम पौधे तैयार किए जाते हैं। किसानों को विभाग 50% सब्सिडी पर पेयोद मुहैया करवाता था, लेकिन विभाग ने पिछले साल अचानक बजट में कमी होने के कारण सब्सिडी पर ब्रेक लगा दिया था। इससे किसानों को भारी झटका लगा और उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिलहाल किसानों द्वारा यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही केंद्र द्वारा उन्हें फिर से सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा से हम लोग 50% अनुदान पर किसानों को पौध देते थे। पिछले साल फंड्स की वजह से ये सब्सिडी बंद कर दी गई थी, लेकिन अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर हरियाणा जो डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी है, उन्होंने अभी बताया कि सरकार ने किसानों की ये लंबी मांग मान ली है और दोबारा से सब्सिडी चालू करने का मन बना लिया है। तो अभी उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है कि इस साल में अगर हम अब सब्सिडी चालू करते हैं तो कितनी पौध और कितने बजट की रिक्वायरमेंट रहेगी। हमने तकरीबन अभी ये तैयार कर लिया है। हमें लगता है तकरीबन 40 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट हमारी 2-3 महीने में रहेगी। हाँ बिल्कुल, हमने तकरीबन 40 लाख पौधे इस साल में बनाए हैं और वो बिना सब्सिडी के किसानों को तैयार करके दिए हैं। किसान भाई अपना बीज लेकर आते थे और हम लोग 1 रुपया लेके उनसे पौधा बनाते। अभी तक कितनी बुकिंग हो चुकी है? तकरीबन 40-42 लाख की हमने बुकिंग कर ली है। किसान भाई कई बार लालच में आ जाता है कि क्या पता ये भी अच्छा निकले, लेकिन पोली हाउस के लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ये बीज बिल्कुल अलग तरह के होते हैं और बिना टेस्टिंग के लगाना उचित नहीं है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में ज़रूर आएँ और सब्जी विशेषज्ञों से अपने सलाह मशवरा करने के बाद ही अपना बीज लें।